Welcome back, friends. This is Fraser from Art Studio. इस ट्यूटोरियल में हम लोग माया में एक लो पॉली कार्टून कैरेक्टर का फिट का शूज मॉडल करना सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. क्यूब से हम लोग बेसिक शेप ले लेंगे. ठीक है, यहाँ से थोड़ा थिकनेस दे देंगे. तो मोर ऑर लेस राइट व्यू से हम लोग इसका शेप जो है ये मिल रहा है, सिल्वेट मिल रहा है. इसका बॉर्डर लाइन देख पा रहे क्या है, और फ्रंट व्यू से थोड़ा एंगल में है. तो फिलहाल हम लोग उसको इस तरह से फिलहाल पोजीशन रखेंगे, स्ट्रेट ही रखेंगे. ठीक, पहले साइड व्यू से बना लेंगे. तो क्यूब लेकर क्यूब को क्या करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट क्यूब को लेकर हम लोग को सब डिवाइड करना है. तो यहाँ सब डिविजन शॉर्टकट है, बाकी पता ही है. यहाँ मैश में आके स्मूथ, वही स्मूथ ऑप्शन क्लिक करके टू ही रखेंगे पहले. और सबसे फर्स्ट क्या करना है, नीचे का जो फेस है इसको डिलीट करें फर्स्ट, अगर नीचे का प्लेट मिल जाए. ठीक, इसके बाद इसको ये वाला जो सोल है, सोल पार्ट के इसे करीब लिखा जाए. जस्ट सिंपली इसको ऐसे लाओ, और ये वाले पार्ट को, ये पीछे का पार्ट इस तरह से मॉडलेस ये कर दो. ठीक है, वंस ये हो गया सिंपल, ये वाले को थोड़ा इसको राउंड करने के लिए फिलहाल ऐसे कर दो. यहाँ हम लोग वाली डिवीजन ले लेंगे, ये हो गया बेसिक एकदम इनिशियल. इसको थोड़ा नीचे स्ट्रेट तक ही रहना है ऑलमोस्ट, ये साइड व्यू से क्या. अच्छा, अब यहाँ एक डिवीजन ले लो और इसे देख लेना, जैसे हम लोग का टूल सेटिंग में एज फ्लो ऑन रहे मल्टी कट का. ठीक है, बस नेक्स्ट. अब इसको टॉप व्यू से पहले इसको हम लोग को शेप लाना है. तो नॉर्मल को भी शू का जो शेप है, जैसे ह्यूमन के लिए एनाटॉमी बोलते हैं, शू के लिए शेप जो है वो कैसा होता है, कि ये वाला पार्ट अगर इसका सिमेट्री ऑन कर लेते हैं हम लोग और ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, सिमेट्री ऑन ऑब्जेक्ट, तो पीछे का पार्ट क्या होता है, राउंड होता है. राइट, तो ये थोड़ा पीछे, और ये वाला पार्ट जो है थोड़ा नैरो. ठीक, ये बेसिक, ये पार्ट नैरो. और फिर फ्रंट में यहाँ से इसको थोड़ा इस तरह से राउंडिश, अगर शेप करना है थोड़ा फ्लैट है सामने की तरफ, तो इस तरह से राउंडिश करके इसको ब्रॉड. फ्रेंड्स, अगर आप नए चैनल में तो मोस्ट वेलकम, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को अभी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. तो ये एकदम बेसिक शेप है. ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद फर्स्ट थिंग करना कि जो होल होगा ना शू में, वो पोर्शन को पहले डिलीट कर देना फेसेस. तो मोर और लेस ये जो फेसेस हैं, अगर साइड व्यू से भी देखते हैं तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा. ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे ये जो पार्ट है शू का, ये अलग से एक्सट्रूड करके हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे. ओके, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं स्लाइटली इसको भी, अगर थोड़ा राउंड फॉर्म करना है किस तरह से थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा पीछे कर सकते हैं. लेस लेस का पोर्शन के आगे वेरी सिंपली आ गया बेसिक शेप. एक बार बेसिक शेप हो जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक शेप तो बेसिक नॉलेज होने से ही हो जाएगा. अब थोड़ा इसको और स्ट्रक्चर देने के लिए कुछ डिविजन्स और दे सकते हैं, जैसे यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ एक सपोर्ट, थोड़ा राउंडेज भी होगा, और ये वाले पार्ट को तभी हम लोग का राउंड मेंटेन रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेवल कर सकते हैं. बेवल करके यहाँ दो एच यहाँ आ जाएगा, तो इतना ठीक है काफी. फिर स्मूथ करने के लिए इसको एडिट एक्सप्लो यूज करके इसको उस तरह से स्मूथ कर देंगे. तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल से शू का शेप आ गया, क्या मुश्किल है. देखो, इससे ऑलरेडी हम लोग का ये पूरा फॉर्म आ गया है शू का, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है. अब हम लोग सोल के पार्ट में जाएंगे, कंट्रोल ई शॉर्टकट एक्सट्रूड कर डब्ल्यू करके ऑलरेस जितना चाहिए उतना पोर्शन तक, पूरा नीचे तक नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा शू जो है थोड़ा ऊपर है, तो हम लोग उतना मोर लेस करेंगे जितना काफी है. सॉरी, सेव करते रहो फाइल को. इतना करने के बाद ये वाला जो है ना नीचे का क्लोज आउट करेंगे. ठीक है, क्लोज करने के लिए क्या होगा, फिर से कंट्रोल ई एक्सट्रूड
एक बार एक्सट्रैक्ट करके इसको पुश करके ये थिकनेस दे दो। उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो हम लोग इन एजेस को फिल होल करके एज मिला सकते हैं या ब्रिज कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। तो अगर ब्रिज करना है कभी भी तो हमेशा ये ऊपर का दो छोड़ देना और या नीचे का भी दो छोड़ देना करके ब्रिज। तो ब्रिज का पता है शिफ्ट राइट क्लिक करने से ये वाला आ जाएगा और फिर यहाँ से ये ब्रिज, फिर सिंपल और डिविजन वन। क्यों वन डिविजन लिए? एक तो सपोर्ट रहेगा, दूसरा है इसको कॉर्ड फॉर्म करने के लिए। अब इसको अगर डबल क्लिक करेंगे और फिर सेम शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ इस बार फिल होल, तो यहाँ कॉर्ड हो गया देखो। और सेम चीज यहाँ फिर से जी कर दो, जी से कमांड रिपीट। तो कितना इजी तरीके से हम लोग ने ये सूखा बेस को भी फिल कर लिया। पहले इसको थिकनेस थोड़ा कर दो, स्लाइटली स्लाइट थिकनेस के लिए इतना को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई एक्सट्रूड और बहुत ही कम, यहाँ देखो बहुत स्लाइट है तो ज्यादा नहीं करना है, एकदम बहुत ही कम करना है कर, लगभग 0.01 0.01 का वैल्यू रखते हैं और रख के डिविजन एक दे देंगे ठीक बीच में ताकि यहाँ सपोर्ट मिले इसका इसके थ्रू। तो ये हो गया एकदम सिंपल। अगर वन में देखना है तो ये ऑलरेडी हो गया, बट अगर थ्री देखेंगे हाँ सही ऐसे भी सही है, बट इफ यू वॉन्ट एक मिडिल में एक एज ताकि ये थोड़ा राउंड हो शेप, ठीक है तो ये राउंड शेप आ जाएगा। बट अगर ये ज्यादा लग रहा है तो फिर स्केल करके थोड़ा कम कर सकते हो स्लाइटली। तो इससे मोर लेस तुम्हारा, क्योंकि हम लोग डिविजन यहाँ लिए थे एक्सपोर्ट के टाइम में, तो हम लोग को एज ऑलरेडी यहाँ मिल गया एक्स्ट्रा डिविजन लेने की वजह से, तो हम लोग को एक्स्ट्रा नीचे में ऐड नहीं करना पड़ा मल्टी कार्ड, सेम यहाँ भी वही है ठीक है। तो ये लाइन भी हम लोग को मिलेगी ऑलमोस्ट, तो ये आ गया शो एकदम बहुत ईजी तरीके से। नेक्स्ट बाकी का ये डिटेलिंग टेक्सचर में हो जाएगा, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही बाकी है। दो पार्ट है, एक है शुगर थिकनेस देना, दूसरा है ये वाला पार्ट उसका जो यहाँ का टंग होता है वो बनाना। तो टंग बनाने से पहले यहाँ थोड़ा थिकनेस देंगे कंट्रोल ई एक्सट्रूड और मोरलेस इतना पहले थिकनेस देंगे ठीक। इतना थिकनेस देने के बाद पीछे का जो साइड है उसको थोड़ा थिकनेस ज्यादा देंगे ठीक। तो सॉफ्ट सिलेक्ट ऑफ रखना, ऑफ रख के उसको थोड़ा पुल कर लेना क्योंकि पीछे पुशिंग थोड़ा ज्यादा है पैडिंग, और इन साइड का भी पैडिंग थोड़ा ज्यादा करने के लिए उसको भी सॉरी इन दोनों को भी जुड़कर थोड़ा इस तरह से ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से हम लोग उसका टंग निकालेंगे टंग का मैश। तो फिर से कंट्रोल ही और साइड व्यू में चले जाओ ताकि थोड़ा रेफरेंस मिल जाए, और इसको यूं खींच के सिर्फ इन वर्टेक्स को लेकर इस तरह से ऊपर को किया ठीक है। अब यहाँ से देखने में पर्सपेक्टिव में ये जो शेप है ये थोड़ा राउंड होगा राइट, इसको इस तरह से पुल करके यहाँ एक एज डाल, तो यहाँ एज डाल सॉरी इसका अब इस बार क्या है कि इसको एज को ऑफ कर ले, एज को ऑफ करके ताकि मैनुअली हम उसको सेट कर सके। और इस तरह से कितना राउंड चाहिए उस हिसाब से। अब यहाँ सपोर्टिंग एजेस थोड़ा देना होगा, यहाँ जो है सपोर्टिंग एज एक्सप्लोर ऑफ करके जैसे यहाँ थोड़ा और हार्ड करना है इस जगह को थोड़ा, तो और एक डिवीजन दे सकते हो ठीक है, देकर ये वाले को ये वाला जो एज है सिर्फ ऊपर की तरफ से सिमेट्री ऑन है, सिमेट्री ऑन कर लो क्योंकि सिमेट्रिकल शेप ही है। तो ये वाला भी जो ऐड किया इसको लेकर खाली ऊपर मतलब ऊपर का पूरा ऊपर लूप मत सेलेक्ट करनी, थोड़ा ऐसे पुश कर देना ताकि इस तरह से अगर इस तरह से मतलब चाहिए पूरा ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट। अभी थिकनेस जो दिया हम लोग यहाँ थोड़ा काम बाकी है, एक तो है कि ये वाला जो पूरा एज लूप है इसको पढ़ के कंट्रोल ई करके एक्सट्रूड करके डब्ल्यू प्रेस करके डालना ठीक है, सीधा होगा तो सीधा इतना लगभग पैडिंग के जैसे थिकनेस देना, फिर कंट्रोल ई और एक बार करके इस बार अंदर पुश कर देंगे थोड़ा, फोर प्रेस करके देख लो ये अंदर की तरफ पुश कर देंगे ताकि इस तरह से राउंड टाइप का पैडिंग हो। अगर इसका फिट रहता है कैरेक्टर का तो इतना ठीक है, और अगर इसके अंदर फिट नहीं रहता है तो फिर से और एक बार एक्सट्रूड करके एक जगह क्लोज कर लेना ठीक है, जितना हो सके पॉसिबल।
जितना हो सके इतना क्लोज कर देना ताकि दिखे नहीं, ठीक है, पूरा नीचे तक नहीं आना है, इतना तक क्लोज कर, ठीक है। अभी यहाँ जो है अगर 3 प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ बहुत ज्यादा राउंड हो गया ना, क्योंकि सपोर्टिंग एज नहीं ये वाले पार्ट में, तो ये वाला जो है ना मल्टी कट इसको एकदम इसके पास में लेंगे, ठीक है, और ये वाला अंदर वाला जो है वो वाला भी लेंगे एकदम पास में लेंगे, थोड़ा मोर लेस लेंगे या मिडिल ले सकते हैं, क्योंकि अंदर में सॉफ्ट होने से चलेगा बट बाहर से थोड़ा हार्ड होना चाहिए ताकि ये वाला शेप जो है हमारा फॉर्म थोड़ा फॉर्म, ठीक है, ठीक है, इससे हमारा होगा शेप। तो देखो शू का जो शेप है ना ये एकदम मोर लेस तुमको ये आना चाहिए समझ के कि ये दोनों रेफरेंस से ही मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर भी देख लो। यहाँ से अगर लगता है कि ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा अंदर जा रहा है तो फिर इसको थोड़ा से हल्का से इसको बाहर इस तरह खींचे, ओके डन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इसका लेस बनाना, लेस के लिए जो होल्स होता है रिंग्स वो बनाना है हम लोग, क्योंकि मैश के ऊपर में डायरेक्टली बनाएंगे तो हम लोग ये वाला वायर फ्रेम स्मूद ऑन कर लेंगे, ठीक है, शेडेड एंड वायर फ्रेम का ऑन कर लेंगे ये वाला, और हम लोग रिंग के लिए टॉरस सेल से ले लेंगे, टॉरस शेप ले लेंगे सेल से, और 3 लेस है तो यहाँ 3 रिंग जो है दोनों साइड में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ, ताकि ये डायरेक्टली मैश के ऊपर में हो, क्या करेंगे मैश को मेक लाइव कर देंगे, ऊपर में मैग्नेट है उससे मैश मेक लाइव हो जाएगा, मेक लाइव हो जाएगा, जैसे मेक लाइव हो जाएगा और मैश को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इस तरह से ग्रीन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद जो टॉरिस लेंगे और जब भी उसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो वो देखो क्या होगा, डायरेक्टली मैश के ऊपर में ही क्रिएट होगा, और उसको एक बार सेलेक्ट करके फिर दो बार और एक कर लेना, तो एक बार करके छोड़ना मत, एक बार करके एक बार क्लिक करके फिर से वापस से ड्रैग करना, डिवीजन बहुत ज्यादा है, हाँ डिवीजन ज्यादा है इसका, तो सब डिवीजन कम कर लेंगे, 8 कर लेंगे, ठीक है, 8 से काफी है, हो जाएगा, ओके। सो एक मिल गया हम लोग का, और लेस का जो थिकनेस काफी ज्यादा है तो उस हिसाब से इसको भी थोड़ा बड़ा ही रखने से बेटर है ताकि ये स्टाइल से मैच हो। तो मोरलेस ये लेस इस तरह से पीछे का साइड आ रहा है, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, तो साइड से भी देख लेना ये, हाँ ये ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके नेक्स्ट वाला थोड़ा स्पेसिंग करके यहाँ, और फिर शिफ्ट डेल करेंगे अगर तो सेम स्पेसिंग में हम लोग का थर्ड वाला भी मिल जाएगा, जस्ट इसको इस एक्सेस से इसको पुशिंग कर देना, बाकी अलाइन गैप जो है वो सेम रहेगा, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है, गैप सेम रहेगा, ठीक है, तो गैप सेम रहेगा, रोटेट करके थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से हमको तीनों जो है इस तरफ का मिल गया, राइट, इसको लेकर कंट्रोल जी ग्रुप डब्ल्यू, और पिवट जो है पहले इसको ठीक करना होगा, राइट, पिवट को डी और वी करके शू के बीच में लाना होगा, और अभी क्योंकि शू जो है मेक ऑब्जेक्ट लाइव इसलिए क्या हो पिवट में स्नैप नहीं होगा, तो पहले इसको शू को मेक लाइव ऑफ करना होगा, फिर डी भी करना होगा करके, ठीक है, हो गया डीवी, अब इसको कंट्रोल डी एक्स स्केल एक्स में माइनस वन, तो अब जो है शो का ये मेरा सही जगह में कॉपी हो जाएगा उस साइड में, ओके। नेक्स्ट क्या करना है, अब लेसेस बनाना है जल्दी से, ओके। तो लेसेस का प्रोसेस क्या है, कर्व लेकर करेंगे हम लोग, तो कर्व जो है वो इजी होगा कि अगर हमारे पास यहाँ ऑलरेडी शू में एज है तो उससे इजी होगा, तो हम लोग जस्ट फॉर टाइम भी शू में एज ले लेंगे, इसको पहले ऑफ कर लेते हैं एज को, और के मोरलेस बीच से ले लेंगे, ठीक है, एक बार ये मिल गया। नेक्स्ट क्या है स्टेप, हम लोग को ये एजेस को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट कैसे कर्व बनाना है, तो मॉडिफाई कन्वर्ट
पॉली एजेस टू कर्व, तो कर्व मिल गया हम लोग इससे। अब ये एज का काम खत्म, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। मगर अगर हम लोग हिस्ट्री बिना डिलीट करेंगे तो फिर हम लोग का कर्व भी चले जाएगा, इसलिए पहले मत करना, पहले से काम कर लें। अब ये कर्व यूज करके हम लोग लेस बनाएंगे। लेस बनाने के लिए इस प्रोसेस क्या बताएं, पिकेट करेंगे एक यहाँ और एक बार फिर से कंट्रोल डी करके एक यहाँ, इस वाले को थोड़ा ऊपर कर लेंगे और इस वाले को थोड़ा ऊपर करेंगे इस तरह से, और इन दोनों को पकड़ के फिर से थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन, हाँ, शू का थिकनेस कितना का हो, तो थिकनेस के हिसाब से इसको पहले सेंटर पिवट एक बार करेंगे। थिकनेस के हिसाब से ये होल के अंदर जाना चाहिए भी है ना, तो थिकनेस समझो इतना है ये। और एनीवेज हम लोग अगर इसको थिक और ज्यादा कर लेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग पतला कर देंगे जहाँ से वो एंटर करेगा, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेंगे क्योंकि काफी थिक है दिस, ठीक है। करने के बाद ये दोनों को लेकर फंक्शन F9 करने से हम लोग का वर्टेक्स या कंट्रोल वर्टेक्स का मोड आ जाएगा। तो हम लोग ये जस्ट दो साइड से, सॉरी, ये दो साइड से वर्टेक्स, कंट्रोल वर्टेक्स को सेलेक्ट करके सॉफ्ट सिलेक्शन लेकर मोर लेस इस तरह से स्केल करके इसको नैरो कर देंगे, नैरो करके वापस से स्केल करके इस तरह से इसको अंदर पुश कर देंगे। बाकी एडजस्टमेंट हम लोग फिर बाद में भी थोड़ा बहुत कर ले सकते हैं, पर मैच बन जाएगा। तो लेट्स से हम लोग का जो लेस है फर्स्ट वाला इस तरह से होगा, तो अब कर्व एक बार कर्व सही से बना लेने से बाद में प्रॉब्लम कम होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग दोनों कर्व सेलेक्ट करके सर्फेसेस में जाकर लॉफ्ट यूज करेंगे। लॉफ्ट में हम लोग का सेटिंग जो पता है क्या करना है, हम लोग का ये सारा कॉट कॉन्ट, ठीक है, पॉली ये, और अभी फिलहाल 20 रख रहे हैं अप्लाई, और करके ये हो गया हम लोग का मैश आ गया कॉट्स। अब इसको क्या करेंगे, पहले मैश डिस्प्ले रिवर्स कर देते हैं तो नॉर्मल सीधा हो जाएगा, इसके बाद कंट्रोल ही एक्सट्रूड करके थिकनेस देंगे। तो एक्सट्रूजन जो करेंगे इसको अंदर की तरफ करेंगे, मोर लेस इतना थिकनेस काफी है, और अगर थोड़ा सा हार्ड चाहिए तो एक डिविजन दे सकते हैं, सॉफ्ट सिलेक्शन आप करते हैं। इसे वापस से ये हो गया तो वापस से नो प्रॉब्लम, रिवर्स करके हम लोग इसको स्मूथ कर लेंगे। अब इसको 3 पेस करके देख लेते हैं, हमारा ये लेस जो है अभी अगर हम लोगों को समझो थोड़ा ये करना है, कर्व से कंट्रोल करना है, तो ये दोनों कर्व सेलेक्ट करके कंट्रोल वर्टेक्स ऑन करके फंक्शन F9 कंट्रोल वर्टेक्स करके, अगर समझो ये ज्यादा ऊंचा है तो थोड़ा इसको हल्का सॉफ्ट सिलेक्शन देकर इसको नीचे पुश कर देंगे, या अगर पीछे पुश करना है जैसे जैसे भी चाहिए, जैसे भी एडिट करना है, थिकनेस ज्यादा चाहिए समझो, इस तरह से ज्यादा थिक है, इसके करीब एकदम इसे करीब इस तरह से अगर ज्यादा ठीक होना चाहिए, राउंड करना है तो मोरलेस इस तरह से हम लोग का लेस जो है बहुत इजी तरीके से ये बन जाएगा। अभी अगर इसी को डुप्लीकेट करके हम लोग करते कर सकते हैं, या तो फिर वापस से हम लोग कर्व बना के या इस कर्व को यूज करके भी कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी डुप्लीकेट करके इसी को हम लोग यूज कर लेते। तो मोरलेस ये पहले देख लेते कितना हाइट में होगा, करने के बाद सॉफ्ट सेलेक्ट करके इस तरह से हम लोग ये वाला वर्टेक्स को थोड़ा स्प्रेड आउट कर दे सकते हैं, करके इस तरह इसके साथ है। ये लास्ट वाला सिर्फ लेकर स्केल करके अंदर पुश कर, ठीक है, मोर लेस
थोड़ा बहुत अंदर ये होना से ही हुआ, बाहर दिखाना चाहिए। तो इस तरह से ये सेकंड वाला हो गया। थोड़ा बहुत माइनर एडजस्टमेंट जरूरत पड़े तो फिर आएगी। तो इस तरह से देखो अभी शो जो है मेरा वायरलेस ऑलमोस्ट ये पूरा सेम आ गया है। अभी इसको जस्ट सॉफ्ट एंड एडजस्ट कर दो ताकि वन में भी हम लोग रहे। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है, सबको सेलेक्ट करके अगर फाइनल हो गया तुम्हारा और कुछ नहीं एडिट करना है तो हिस्ट्री डिलीट कर लो। ये कर्व्स जितना कर्व्स है ना ना कर्व्स है वो सारे कर्व्स को डिलीट कर दो और ये वाला जो है ना सॉरी वापस से मैश ये जो एक्स्ट्रा ऐड किया था हमने उसको डिलीट कर दो। तो काफी इजी तरीके से लो पॉली में हम लोग शू को बना लिए। ठीक है, सो विद दैट फ्रेंड्स वी कम टू द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।